नमो अरिहंताणां वर्तमाने तीर्थंकर वर्तमाने तीर्थंकर नमो सिद्धाणां नमो सिद्धाणां सिद्धानंता अयोग अमर सिद्धानंता अयोग अमर नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं भव्याचारज सुखद कर भव्याचारज सुखद कर नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जायाणं बणी बणावे अक्षर बणी बणावे अक्षर नमो लोए सव शाहूणं नमो लोए सव शाहूणं साधु सरण मुनिवर साधु सरण मुनिवर पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो आत्मगुणी परमेष्ठी नमो आत्मगुणी परमेष्ठी नमो सव पाव पणासनो सव पाव पणासनो सर्व पापो प्रणाशकम सर्व पापो प्रणाशकम मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं त्रिकाळी छे मंगलोत्तम त्रिकाळी छे मंगलोत्तम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नर माथि नारायण थाय नर माथि नारायण थाय कृष्णं वंदे नम गीता कृष्णं वंदे नम गीता ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय स्वकल्याणं स्वरूपमाय स्वकल्याणं स्वरूपमाय जय सच्चिदानंद नमो नमः सौधर्मोने नमो नमः दादाशु दर्शन से दादाशु दर्शन से निज चेतन देखेंगे निज चेतन देखेंगे ज्ञानांकित वचनों से ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे सोए को जगा देंगे सट पर मेंनंट सिद्धांत सत पर में नंद सिद्धां जीवन रोशन कर दे जीवन रोशन कर दे आमूल परिवर्तन आमूल परिवर्तन जीवन का सफल
लिया जीवन का साफल्य तन मन धन में अहिंसा तन मन धन में अहिंसा व्यवहार में समभाव्य व्यवहार में समभाव्य निश्चय में शुद्धात्मा निश्चय में शुद्धात्मा सत्संग जमा देंगे सत्संग जमा देंगे नफरत की बदियों को नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे मोहब्बत से जला देंगे हिंसा के सागर में हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे करुणा से जिएंगे दादा सुदर्शन से दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे निज चेतन देखेंगे जग सत्यासत्यों में जग सत्य असत्यों में आग्रह से चढ़ता जहर आग्रह से चढ़ता जहर केवल सतलक्षां की केवल सतलक्षां की संयम से घटा दे बैर संयम से घटा दे बैर समता से समझौता समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे विज्ञान सिखा देंगे श्रद्धा की अंजलि से श्रद्धा की अंजलि से सागर पी लेंगे मृत सागर पी लेंगे दादा का दिल मरमार्क दादा का दिल मरमार्क सृष्टि में बांटेंगे सृष्टि में बांटेंगे सुदर्शन से दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे निज चेतन देखेंगे काया के परिग्रह से काया के परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की भू लक्ष्मी विषयों की भू दुखद परिणाम अज्ञान दुखद परिणाम अज्ञान आत्मा का गुण है सुख आत्मा का गुण है परिसह की तपस्याग्ने परिसह की तपस्याग्ने खुद ज्ञाता देखेंगे खुद ज्ञाता देखेंगे मुक्ति विश्वासी को मुक्ति विश्वासी को नई राह चला देंगे नई राह चला देंगे कर्ता पद से मुक्तक कर्ता पद से मुक्तक
व्यवस्थित को समझेंगे, व्यवस्थित को समझेंगे। दादा सुदर्शन से, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, निज चेतन देखेंगे। नुकसान बड़ा भारी, नुकसान बड़ा भारी। चोरी की नियत से, चोरी की नियत से। अचौर्य से निडरता, अचौर्य से निडरता। निर्भय हो तबीयत से, निर्भय हो तबीयत से। आदत मजबूरी में, आदत मजबूरी में। शुभ भाव प्रकट कर ले, शुभ भाव प्रकट कर ले। भीतर के कचरे को, भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे, हम खुद ही जला देंगे। संयोग रिलेटिव को, संयोग रिलेटिव को निर्दोष ही देखेंगे, निर्दोष ही देखेंगे। दादा सुदर्शन से, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, निज चेतन देखेंगे। ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य से ताकत की हानि है, ताकत की हानि है। उद्गल पाचन का सार, उद्गल पाचन का सार। आनंद प्रदानी है, आनंद प्रदानी है। अणुव्रत महाव्रत में, अणुव्रत महाव्रत में नॉर्मल बन सर्वांगे, नॉर्मल बन सर्वांगे। अमृत कुंभा पी कर, अमृत कुंभा पी कर मर के भी जी लेंगे, मर के भी जी लेंगे। दादा का सुदर्शन, दादा का सुदर्शन दृष्टि ही फिरा देंगे, दृष्टि ही फिरा देंगे। दादा का सुदर्शन, दादा का सुदर्शन दृष्टि ही फिरा देंगे, दृष्टि फिरा। हमारे पास भी सुदर्शन है, जो भगवान कृष्ण के पास था, है? जो भगवान कृष्ण के पास था। हाँ, मगर वो चक्र तो सब लोगों को बताने के लिए बताया गया है रूपक के रूप में, समझे? जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा का ही दर्शन करना, वो सुदर्शन है। वो हमारे पास भी मिल गया, ज्ञानी पुरुष ने हमें भी वो सुदर्शन दे दिया। और लोग क्या कहते हैं कि योगेश्वर
कृष्ण भगवान ने सुदर्शन से सब दुष्टों का, दुश्मनों का संहार किया, समझे? ये बात को समझना है, समझे? जब हम जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा के ही दर्शन करेंगे तो फिर दुश्मन कहाँ रहा? तो पैकिंग देखते हैं तो दुश्मन दिखाई देता है, समझे? वैरायटीज ऑफ पैकिंग। मुसलमान के अंदर भी शुद्धात्मा है, जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा है, तो हमें भी हमारा सुदर्शन निरंतर चालू रखना है। कहीं भी आना जाना हुआ, हमारा ये सुदर्शन चलता रहना चाहिए कि जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा के दर्शन है, शुद्धात्मा के दर्शन करना, वो ही सुदर्शन है। बताइए, ज्ञान का मतलब ही यह है, पहले हम जो देखते थे वो हमारा देखने का नजरिया ही बदल गया, दृष्टि बदल गई। पहले हम सिर्फ पैकिंग ही देखते थे, ये गाय का, कुत्ते का, बकरी का, समझे? ये स्त्री, ये पुरुष, अरे वो तो पैकिंग है, उसके अंदर माल जो है वो एक सरीका है, माल एक ही सरीका है, और वो है शुद्धात्मा। बस तो ये दोनों व्यू पॉइंट से अब हमें जीवन जीना है। कोई हमारे ऑफिस में कोई क्लाइंट आता है तो कौन भेजता होगा उन्हें? जिन क्लाइंट के साथ हमारे कर्म के ऋणानुबंध बंधे हुए हैं, वही आदमी चाहे किसी भी गांव का हो मगर आपको ढूंढ लेगा, आपको ढूंढ लेगा। ऑफिस बंद होगा तो दूसरे दिन आएगा, मगर जो कर्म के ऋणानुबंध है, इसलिए हमें हमारा जो टाइम है उस टाइम से ऑफिस खोल के बैठना है बस, और टाइम होता है तो बंद करना है। व्यवस्थित शक्ति जिनके साथ हमारे कर्म किरणानुबंध है उन्हें भेजेंगे, तभी उनसे हमारा जो भी लेन देन है वो पूरा होता है। तो उसके अंदर भी शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा है। और वो क्या कहता है अपने को सुन लेना है, तो फाइल का संभाव से निपटारा हो गया। ये पहले हम सिर्फ पैकिंग देखते थे, ज्ञान का मतलब क्या है, इससे आगे एक स्टेप हुआ, इसके अंदर भी शुद्धात्मा है। ठीक वैसे पत्नी के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, रिश्तेदारों के अंदर भी, सब लेन देन का हिसाब है। इस जगत में इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जैसे हिसाब निपट जाता है,
ना हम उन्हें याद करते हैं ना वो हमें याद करता है। जहां तक पेमेंट बाकी है तो उनको भी रहेगा, हमको साहब को देने का है, और हमें भी जब जब याद आएगा इनसे लेने का है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चारों जब इकट्ठे होते हैं तब ही कोई कार्य हो पाता है, इसके अलावा नहीं हो पाता है। नहीं होगा। आप कितने अभी प्रयास कर लो, अगर एक भी एविडेंस नहीं मिला, द्रव्य का मतलब है संयोग स्वरूप। क्या है संयोग स्वरूप? संयोग स्वरूप। आप रात को 12 बजे आप क्या बोलते हैं, हजाम बोलते हैं, नाई बोलते हैं? नहीं। बाल काटता है वो? नहीं। नाई। आप रात को 12 बजे नाई की दुकान पे जाएंगे तो नहीं काम बनेगा। काल तत्व क्या है? काल तत्व। द्रव्य का मतलब है संयोग स्वरूप। द्रव्य क्षेत्र मतलब वो नाई की दुकान, वो क्षेत्र है जिस जगह पे उसकी दुकान है, समझे? द्रव्य क्षेत्र काल मतलब टाइम, और भाव, भाव जैसे बाल कटवाने का टाइम होता है तो 5-6 दिन पहले से हमारे अंदर जब जब हम संवारते हैं, देखते हैं, तो अंदर मन के अंदर विचार आता है बाल कटवाने का टाइम हो गया है, 5 दिन पहले शुरू हो जाता है, मगर कब जाए वो संयोग को ढूंढते रहते हैं कि कब जाए, अभी तो टाइम नहीं है, कल भी टाइम नहीं है, आज तो इसका दुकान बंद होगा, ऐसा सब चलता रहेगा। अब भाव हो गया कटाने का, बाल कटवाने का भाव हो गया, मगर अभी टाइम पका नहीं है, काल नहीं हुआ है, समझे? आइए, जय सच्चिदानंद। फिर आपने तय कर दिया आज तो सुबह 9 बजे पहुंच जाए बस, समझे? तो आप क्षेत्र आया नाई की दुकान, मगर वो कहेगा अभी 4 आदमी है, 4 आदमी के बाद आपका नंबर लगेगा। क्या कहेगा वो? 4 आदमी है उसके बाद आपका नंबर लगेगा। आप बोलेंगे नहीं, ये तो अभी मेरे को तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। तो आप बोलेंगे फिर देखेंगे। तो क्या हुआ, भाव में भी है, क्षेत्र भी आया, मगर टाइम नहीं पका अभी, क्योंकि उनका टाइम हमारा टाइम का मेल होना चाहिए। ये बातें हो रही है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चारों जब इकट्ठे होते हैं तब कोई कार्य हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। फिर 2 दिन चले जाएंगे, मगर अंदर है अभी कटवाना है, कटवाना है, ऐसा है। फिर 2 दिन के बाद जाएंगे, जैसे उनके दुकान पे पहुंचेंगे दुकान बंद है। नहीं, अभी वो 2 दिन शादी में गया है गांव में, आप बगल वाले से पूछेंगे भाई क्या है, कब खोलता है, बोलेंगे अभी शादी में गया है, 2 दिन के बाद आने का बोल रहा था। देखा, अब इनके साथ ही ऋणानुबंध है, दूसरी जगह नहीं कटवाएंगे आप। हर एक का अपना होता है, ऐसा कि एक तसल्ली हो जाती है कि इनसे गए वो हमें भी पहचानता है, हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता उसको, वो समझ जाता है कि इसका कटिंग ऐसे करने का है बस, और हम भी समझ जाते हैं। तो ये होता है, तो द्रव्य
क्षेत्र काल काल तत्व हरेक कार्य में काल तत्व बहुत इंपॉर्टेंस है। काल तत्व का समझे, जैसे लड़की को भी शादी करनी है वो भी तैयार है, लड़का भी चाहता है शादी करनी है, मगर वो दोनों का काल नहीं पका, वो दोनों को मिलाएंगे कौन? निमित्त। हाँ, व्यवस्थित शक्ति। फिर और दो दिन के बाद आप जाएंगे कि आज तो बस आप तो कटवा के आना है, आज मैं भी फ्री हूँ, ये भी फ्री है, वो भी है। जैसे ही आप बाहर निकले वो रास्ता बंद कर दिया है, फिर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ये सब रास्ते अभी बंद हैं, अब किसी को नहीं जाने देंगे, तो भी वापस आना पड़ेगा। ये तो कोई भी कार्य होने के लिए द्रव्य क्षेत्र वो जगह का मिलना, काल और भाव ये सब इकट्ठे होते हैं तब काम होता है, उसके अलावा नहीं होता है। भाव होगा तो फिर वो पड़ेगा, भाव तो है ही वो तो, मगर ये सभी बातें स्थूल है समझे। जिससे नए कर्म बनते हैं उस भाव की बात नहीं कर रहे हम, महात्माओं के लिए भाव भी डिस्चार्ज है, क्योंकि जब बाल बढ़ेंगे तभी कटवाने के अंदर आएंगे अपने हिसाब से, ऐसा है। ये सब निकालिए, भाव भी निकालिए, द्रव्य क्षेत्र मतलब जगह, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव जब इकट्ठे होते संयोग तब कार्य होता है। मगर इससे भी आगे ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च दादा भगवान की है समझे। ये जगत कैसे चल रहा है इनकी सिर्फ रिसर्च करने के लिए 30 जन्मों तक उन्होंने इसका रिसर्च किया। 30 जन्म, कितने जन्मों तक? 30 30 जन्म गए इसको अंदर की, ये कौन चला रहा है इसको। और जिसकी जो भी मान्यताएं हैं उसको वितराग भगवंत गलत नहीं कहते हैं। अगर कोई मानता है कि कुदरत चला रही है, कोई मानता है कि भगवान चला रहा है, हर एक की जैसी जैसी अपनी अपनी मान्यता, मगर वो उनकी दृष्टि से सही है। मगर व्हाट इज फैक्ट, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है, तो वास्तविक इतना ही है बस समझे, कि व्यवस्थित शक्ति ही इस पूरी दुनिया को चला रही है। अगर एक भी संयोग कम पड़ा तो सभी का सभी चीज वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। ये तो बहुत बड़ी रिसर्च है। और अगर अगर आप मोहनलाल जी हैं तो कर्ता हर्ता आप हैं, वो तो अज्ञान दशा में मानते ही थे, और जब अच्छा होता था तो मैंने किया, बुरा तो भगवान ने किया, बुरा हुआ तो किसी पर क्लेम करते थे हम, इनकी वजह से सारा केस बिगाड़ दिया, हमने बोला था कि इस तरह बोलने का है, सामने वाला वकील जब पूछे तब आपको इतना ही बोलने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलने का है, मगर हमने जो बताया था ऐसा नहीं किया, इसकी वजह से केस हार गए। अच्छा होता है तो हम हमारे ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं, और जब केस बिगड़ता है तो
तो हम दूसरे पर क्लेम करते हैं, तो ये विरोधाभास हो गया। सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन साइंस। साइंस साइंस हम उसे ही कहेंगे जहां किसी भी बात का कोई भी विरोधाभास नहीं होता है। विरोधाभास नहीं होता है। आप शुद्धात्मा है तो मोहनलाल जी का व्यवस्थित शक्ति चला लेगी, ये चिंता बंद हो जाती है साहब। जहां तक करता है हम तो पूरा बोझ लेकर घूमते हैं हम, मगर सब संयोग होगा तब कार्य होगा। ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, अभी तो जितने एविडेंसेस हमें दिखाई देते हैं बुद्धि से हम समझ सकते हैं, मगर देर आर सो मेनी एविडेंसेस विच आर इनविजिबल। इसलिए उसको साइंटिफिक कहा। साइंटिफिक का मतलब है बुद्धि से आप समझ नहीं पाएंगे, बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं है ये। हमारे संयोग में जब हम देखेंगे, हम करना कुछ चाहते हैं, प्लानिंग कुछ करते हैं और एक ही संयोग नहीं आया, सबका सब बिखर जाता है, सबका सब बिखर जाता है। तो हम केवल शुद्धात्मा के पद में ही रहे, इसीलिए बड़ी कृपा करके दादा भगवान ने ये त्रिश्री आज्ञा खुली की है कि अब आप शुद्धात्मा है तो सब कुछ आपका व्यवस्थित शक्ति चला लेगी। समझे, ये पूरे विश्व को, ये जोधपुर गांव में कितने भी एडवोकेट होंगे, सभी का चलता है कि नहीं चलता है? सभी का चलता है। जितनी भी दुकानें हैं, स्टोर्स है, सब्जी वाला है, कोई रोड पे बैठा है सब्जी लेकर, किसी का बड़ा भंडार है, सबका व्यवस्थित शक्ति सबका चलाती है, व्यवस्थित चलाती है, व्यवस्थित चलाती है। इतना है। बारिश होती है सब भीग जाता है, फिर धूप निकलती है सब सूख जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। देखो आप कुदरत को देखेंगे तो भी पता चलेगा कि एक हरेक जीव मात्र के लिए कितना फेवर में है, कितना फेवर में है। मैं सुबह में देखता हूँ, मॉर्निंग वॉक लिए निकलता हूँ 6 बजे, तो कई लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हुए, कई लोग गाय को दूध पिलाते हैं, कुत्ते को भी पिलाते हैं, वो धारा डालते हैं, घास का डालते हैं, वो देखते हैं। तो गाय कहाँ है, आदमी कहाँ से आया है, कौन इसे देता है और कौन उसके विचार में आता है कि ऐसा करें, ये कितना देखेंगे हम। तो व्यवस्थित व्यवस्थित चीज चलाता है, कभी अव्यवस्थित होता ही नहीं है, मगर हमारी बुद्धि जब उस बात को स्वीकार नहीं करती है तब डखा हो जाता है, डखा हो जाता है। ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। जेब काटने वाले का भी धंधा व्यवस्थित शक्ति अच्छी तरह से चलाती है। उसको चोरी करने वाला का भी, हाँ तो चलाना ही पड़ता है ना। एक एक बात है, ये व्यवस्थित शक्ति के लिए हत्याएं वगैरह है तो अपराध, ये जो मर्डर वगैरह होते हैं ना, ये व्यवस्थित शक्ति क्यों करती है? व्यवस्थित शक्ति सब व्यवस्थित ही करेगी।
समझे, व्यवस्थित शक्ति जिसके साथ जो हिसाब, हम क्या समझते हैं कि कितना वैर भाव या द्वेष उस आदमी के भीतर आया होगा और सामने वाले ने ऐसा क्या किया होगा तब आदमी को उसे खून करने तक पहुंच जाता है। वो अंदर की बात हम नहीं जानते हैं। नहीं, नहीं, अगले ने कुछ नहीं करता क्या? कई बार अगला कुछ नहीं करता, वो तो आप जानते हो, वो तो आप ऐसा मानते हो। नहीं, लूट के दौरान हत्या हो जाती है, वो कार में कोई जा रहे हैं बीच में रोक के और उनकी हत्या करके लूट के ले गए, तो इसको कैसे मानेंगे साहब? अरे अपने को इतना ही देखना है। आइए, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बैठो, आप बैठो ना। अच्छी तरह से बैठो। कभी आपने ऐसा सोचा है ऊपर ले कि इस रास्ते से कितनी भी कार गुजर गई, चली गई, इसका ही नंबर क्यों लगा? ऐसा कभी सोचा है आपने? हाँ, 500 कार इस रास्ते पर से चली गई, इसी कार को क्यों लूटा? अगर लूटने वाला होता तो सब कार को लूटता, ऐसा नहीं है। जो कार वाले के साथ जेब काटने वाले का या लूटने वाले का जो कर्म के अनुबंध है वो ही लूटा जाएगा, वही लूटा जाएगा। हमें हमारी लिमिटेड विजन से हमें ऐसा लगता है कि इसने कुछ नहीं किया है, मगर एक कुदरत ने दोनों को कैसे मिलाया, समझे? जिनके जेब के अंदर 50,000 रुपया पड़ा है, और जेब काटने वाले को किसने बताया कि इसकी इसी जेब में है? ये कौन मिलाता है? रेलवे स्टेशन पर तो 2,000 लोग घूमते हैं, इनाम इसको ही लगा जिसके जेब में 50,000 रुपया थे, समझे? इससे भी ज्यादा पैसा दूसरों के पास थे, मगर इसको एक कौन मिलाता है, इसी को बोलते हैं हिसाब, समझे? भगवान कहीं जेब काटने नहीं आएंगे। तो जैसे पैसे हैं वैसे जाएंगे, इसका नियम है। इसलिए व्यवस्थित शक्ति ने कहा ना, व्यवस्थित शक्ति। जैसे कभी लूटफाट होती है, समझे, दुकान लूटी जाती है, दुकान जलाई जाती है, सब कुछ होता है, समझे? वो तो सब लूट कर सब करके भाग गए, और सामने से एक आदमी आया, अभी क्या हुआ देखने आया वो तो, समझे? और पुलिस आई, उनको ही पकड़ के बैठा दिया उसको। पुलिस को भी काम बताना है, हम काम करते हैं, उनको ये नहीं देखना है कि इसने जलाई है कि इसने लूटा है, उनको नहीं देखना, उनको तो केस बनाना है कि भाई हम बैठे नहीं रहते हैं, रिपोर्ट देना पड़ता है उनको भी। अब हम क्या सोचेंगे? अरे निर्दोष आदमी फंस गया बेचारा, वो भी जानता है मैं तो देखने निकला हूं कि क्या हुआ, इतना शोरगुल हुआ तो क्या हुआ। मगर ज्ञानी की भाषा में, समझे, दोषी को ही भुगतना पड़ता है, निर्दोष कभी भी उसको भुगतना होता ही नहीं है। मगर वो हमारी लिमिटेड विजन से हमें ऐसा लगता है कि इसने तो कुछ किया नहीं है, मैं वो तो सिर्फ देखने ही बाहर निकला था और पकड़ के ले गए, होता है। तो ये विज्ञान है, विज्ञान है, अनुभव से पता चलता है। एक बार क्या विचारण और जान
हॉस्टल में आपस में झगड़ा हुआ। हाँ हाँ झगड़ा हुआ तो आपने जैसे कहा ना पुलिस की गाड़ी गई, वो पुलिस की गाड़ी वहाँ घूम रही थी तो एक कोई सीधा सा लड़का वो गया कैसे आप किसका पूछ रहे हो जिसने किया उसको लियाओ और इसको ले जाओ। तो आपका काम है हमारा थोड़ा काम है। हमको पता होता तो फिर आपको क्या करने का है, उनको तो पकड़ने के बाद करने का है वकीलों को। तो ये व्यवस्थित शक्ति करता इतना गुड साइंस, अगर ये हमारे अनुभव से समझ में आ जाए तो शुद्धात्मा के लक्ष्य में ही हम रहेंगे, उसके अंदर ही रहेंगे और अपना ही व्यवस्थित हम देखते रहेंगे कि अपना व्यवस्थित क्या आता है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता उसमें नहीं जाना है, अपना व्यवस्थित क्या है और वो अपने आप आ जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है, यह चिंता करने जैसा जगत है नहीं, बस चिंता से कार्य बिगड़ता है और व्यवस्थित को सभी का चलाना है, समझे। आप देखेंगे नहीं तो आपको लगेगा अरे ये सब्जी तो कौन लेगा, ये गाय को खिला दो, मगर उसका भी लेने वाला आएगा। उसका भी आएगा, हर एक का अपना अपना व्यवस्थित है, वो व्यवस्थित सब कुछ व्यवस्थित ही करता है, सबका चलाना होता है। कपड़े की सिलाई वाले का भी चलाना होता है, कापड़ वाले का भी चलाना होता है, जो इस्त्री करता है आयरन वाला उसका भी चलाना होता है, फट जाता है तो रिपेयरिंग वाले का भी चलाना होता है, सबका चलता है। अपन समझे कि इतनी छोटी दुकान में कौन आता होगा, अरे उसका भी व्यवस्थित शक्ति को चलाना, सबका चलाना है, समझे। और व्यापारी क्या समझते हैं, सब ग्राहक मेरी दुकान में ही आ जाए। ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये जो आज्ञा है, व्यवस्थित शक्ति करता, और शक्ति कोई भी हो वो हमेशा निष्पक्षपाती होती है, व्यक्ति पक्षपाती होता है, व्यक्ति है ना वो कोई भी होगा वो पक्षपाती रहेगा, क्योंकि ये पुद्गल का स्वभाव है, समझे। माँ परोसती है ना तो बच्चे की थाली में एक चम्मच घी ज्यादा डाल ही देगी, वो डालती नहीं है, गिर ही जाता है। व्यवस्थित जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता, कर्ता पद से ही कर्म बंधन है और कर्ता है तो फिर भोक्ता होना पड़ता है। अगर भगवान को आप जगत के कर्ता हर्ता मानते हैं तो वो भी कर्ता हो गया तो उसको भी भुगतना पड़ेगा, और हम भी कर्ता है हमें भी भुगतना पड़ेगा, तो वो भी कर्ता है भोक्ता है, हम भी कर्ता है भोक्ता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या रहा, क्या फर्क रहा, अगर वो करता है तो फिर हमें क्या करने का है वो बताओ। किसी की भी मान्यता को हम गलत नहीं कहते हैं, मगर वास्तविकता क्या है, वैज्ञानिक क्या है, तो कि वैज्ञानिक सिर्फ इतना ही है, संयोग वो करता है,
समझे। आपको किसी आदमी का काम है, चार बार उसे फोन करेंगे वो फोन नहीं उठाएगा, दो बार इसके घर पे आप जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, मगर दूसरे दिन वो आपको आपके घर मिलने आएगा, होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो ये संयोग नहीं है, आपने चार बार फोन किया उसने नहीं उठाया, अब उनका संयोग क्या है हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। पुत्रे ना कोई भी जिज्ञासा है तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें से बात है। हाँ सवाल प्रश्न उत्तर में सत्संग में क्या परिचय है? मित्र ऐसा है इमराज जी, मेरा मित्र है बचपन का। अरे वाह, तो हमारा मौला भी एक हो गया हमारे। अरे बचपन में हम साथ बहुत घूमे। बराबर है, बहुत अच्छी बात है। आपके सामने मौला राम जी, ये भी हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। अच्छा अच्छा, पहले आए होंगे। आदमी कभी कभी बोलता भी है, भाषा पूरी है, समझ अधूरी है। कभी मिलते हैं ना रास्ते में, बात करते भी, क्या है कैसा चल रहा है अभी, अभी अभी कुछ संयोग अच्छे नहीं है अभी, ऐसा बोलता है ना आदमी। कुछ करने जाता हूँ कुछ हो जाता है, कुछ अभी कुछ संयोग अच्छे नहीं है, ऐसा बोलता है। नहीं ऐसा वो भी बोलता है, संयोग ठीक, कोई नसीब बोलेगा। दशा सही नहीं चल रही है। हाँ दशा मतलब माय स्टार्स आर नॉट फेवरेबल, सही बात है, बोलता है आदमी। अरे कभी कभी तो भगवान उठा है अभी के, इतने नाराज हो जाते हैं जीवन से, है? हाँ खुद के जीवन से इतने नाराज हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं, सुसाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मरना चाहता है, वो जिस तरह जीना चाहता है उस तरह नहीं जी सकता है, इसलिए मरता है। जीना तो सबको है, कोई मरना नहीं चाहता है, मगर संयोग, ऐसे संयोग आ जाते हैं, हो जाता है आवेश, एक्साइटमेंट एक ऐसा है, हमसे भी हो जाता है ऐसा, कुछ नहीं देखना। कोई चीज हमने घर में कहीं रखी है, हम भूल गए हैं और उस चीज को हम ढूंढते हैं, देखना कैसे हो जाते हैं हम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। हाँ हाँ, तो उन्होंने कुछ गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाया, वहाँ तो हॉस्टल टाइप था, तो बच्ची आई दो तीन बार मना किया, फिर जोर से मना किया, मैंने क्या, मैंने कहा नहीं जाना मतलब नहीं जाना, तो उसने सुसाइड कर लिया। देखो कितना आवेश, आवेश में आ जाते हैं। मगर ये क्या है, हम सिर्फ निमित्त को देखते हैं। हमारा विजन कैसा है कि ये पिताजी ने मना किया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका आयुष्य कर्म पूरा हो गया था,
निमित्त चाहे कोई भी हो, पिकनिक हो, उधर जाना है, वो तो सब गैर बात है, मगर आयुष्य कर्म जब पूरा होता है तब ही आदमी कोई न कोई निमित्त से गुजर जाता है। ऐसा होता है, कोई गांव में डेथ होती तो कहते हैं सर कि इसको बुखार आ गया है, टाइफाइड हो गया, कुछ भी बोलेंगे, मगर वो बाह्य एविडेंस है, भीतर का साइंस क्या है, पूरा हो गया आयुष्य कर्म, पूरा हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब मोबाइल काम नहीं करेगा। बैटरी तो चार्ज करनी ही पड़ेगी। हाँ, करनी ही पड़ेगी, चार्ज तो करनी पड़ेगी, ऐसा है ये। निमित्त कोई भी हो, अरे भूकंप होता है, बड़ी बड़ी इमारतें गिरती रहती हैं, समझे, मगर छोटा 2 महीने का बच्चा 2 दिन के बाद भी जिंदा निकलता है और 50 लोग उसमें मर गए होते हैं। होता है एक्सीडेंट होता है और कार में 4 जनों की बड़ों बड़ों की डेथ हो जाती है और छोटा बच्चे के खराश ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये संयोग की बात है और कर्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, कर्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। मगर हम क्या है, निमित्त को दोषित देते हैं कि पिता ने मना कर दिया पिकनिक में जाने में, इसी के लिए उसकी डेथ हो गई। और उसके संस्कार इतने पड़ जाते हैं, एक बार अगर आदमी सुसाइड करता है तो 7 जन्म तक उसे सुसाइड करना पड़ता है, इतने कॉजेस उसके अंदर पड़ जाते हैं। जिंदगी भी बड़ी विचित्र है। हाँ, और जिंदगी तो आनंददायक है, आनंददायक है, दुखदायक नहीं है। दुखदायक है ही नहीं, हमें उसको देखने का नजरिया चाहिए। बाकी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। ये आनंद के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है हमें, नहीं तो जानवर में नहीं होते। जानवर को कोई सुख दुख का पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं है, लिमिटेड है ऐसे ही उसका। लिमिट आहार, भय, मैथुन, निंद्रा, ये सभी प्राणी को है, सभी प्राणी को है, मगर मनुष्य की बुद्धि डेवलप हुई है उस हिसाब से उसका ये सब है, और जानवर की जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड है, तभी तो वो जानवर में गया है। उसको खाना मिला नहीं मिला, किसी ने खिलाया नहीं खिलाया, कौन ध्यान रखता है, कौन ध्यान रखता है, और वो बोल भी नहीं सकते हम भूखे हैं, हमें कुछ दो, कैसे विटमना है। एक उदाहरण ऐसा, हाँ बताइए ना साहब। जालौर में सेशन कोर्ट में एक फेमस वकील हुआ करते थे, अच्छा अच्छा, मदन मोहन जी जोशी, हाँ, थे ब्राह्मण लेकिन एक नंबर के दरबले और गंदा खटे थे। अच्छा, उसके बावजूद भी वो एक दिन बीमार नहीं रहे और 70 साल की उम्र में बहस करते करते अटैक आया और जैसे पता ही नहीं चला कि चले गए। अच्छा, तो ऐसे बुरे कर्म करता है तो भी आदमी इतने अच्छी तरीके से रह जाता है, कोई भक्ति भाव और खूब करता है तो भी तकलीफ देता है, इसकी क्या वजह है? इसका मतलब यही है, हम सिर्फ आज का जीवन देख रहे हैं, वर्तमान जीवन देख रहे हैं, मगर वो ऐसे अच्छे कर्म बांध के आया है
इसका फल ये अभी उसका भुगत रहा है, समझे, मगर भीतर जो भाव हो रहे हैं उससे नया जन्म बनता है, क्रिया से नहीं, भाव से, भाव से, भाव से होता है। भाव में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आदमी सिर्फ इतना ही समझ ले कि आज अपना जीवन कैसा भी हो मगर मन वचन काया से अगर कोई भी गलती हुई, और वो हमें पता चलेगा, अंदर शुद्धात्मा है ना, क्यों नहीं पता चलेगा, समझे, हमारी वाणी से किसी को दुख हुआ, मन से किसी के प्रति बुरे ख्याल आए, और वर्तन से भी कभी हो गया, हम चाहते नहीं है मगर हो जाता है, हो जाता है, तो उस वक्त आप जो भी भगवान को मानते हो, जो भी गुरु को मानते हो, उनसे सिर्फ क्षमा मांगना है। ये कलयुग में, कलयुग में भगवान सिर्फ इतना ही हमें बताते हैं, समझाते हैं कि गलती हो जाएगी, कोई करना चाहता नहीं है, मगर जब भी हमारी गलती हमें दिखाई दे, हमें भगवान से माफी मांगना है, और ऐसी गलती फिर कभी भी ना हो, ऐसी हमें शक्ति दें, शक्ति दें, शक्ति दें, बस इसी को धर्म ध्यान कहते हैं, समझे। ये बुरे कर्म है, इसलिए तो कलयुग में है, हम कलयुग में क्यों है, यहां तक क्यों आना पड़ा, द्वापर युग गया, त्रेता युग गया, सतयुग गया, फिर भी हम नहीं बुझे, फिर भी हम नहीं बुझे, तो यहां तक भटकना हुआ कलयुग तक, तो ऐसा ही है। कलयुग का मतलब क्या है, उसका फोटो जो पड़ता है वो इंसान का है, सब उनके जो गुण हैं वो जानवर जैसे है, ये कलयुग की निशानी है, वो तो हमें सबको भी अनुभव में आता है। कई आदमी ऐसे होते हैं सही बात को भी मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, मैं जो कहता हूं वही करना है बस, ये प्रवृत्ति ज्यादा है, ज्यादा है। आपने जो कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कोई भी होगा, आपका भाई होगा या बीवी होगी, कोई भी होगा, लड़का, जय सच्चिदानंद, आज कोई भी व्यक्ति किसी को भी एडजस्ट होना नहीं चाहता है, तुम तुम्हारा काम करो, हमें हमें हम तुम्हारी तरह जीने दो बस, हमें आपकी राय नहीं चाहिए, या जबरदस्ती राय चाहिए, ये है कि ऐसे करो ऐसे, अरे अपना आप हो जाएगा भाई, अरे भाई पूछता ही नहीं है आपको, पूछा हाँ। उसने हाँ। जब पूछे तब राय देने की हाँ, है, पूछे तब राय देना हाँ। बिना पूछे और राय दी उसके हिसाब से करता है नहीं करता है वो भी नहीं देखना है, नहीं तो अपने को दुख होगा, अरे आपको करना है आपकी मनमानी तो मेरे को क्यों पूछता है ऐसा हो जाता है। तो ये इसलिए दादा भगवान ने कहा, अगर इस समय में, इस काल में सुखी होना है तो एक ही मास्टर की है, एडजस्ट एवरीवेयर, एडजस्ट एवरीवेयर, बस इस साल जिस माहौल में उस माहौल में एडजस्ट हो जाना है, एडजस्ट होना है। जैसे बीबी कहती है कि मैं आज रोटी और सब्जी बना रहा हूं, तो आपको बोलना है मैं भी यही कहने वाला था, बस बात खत्म हो गई।
जैसे चार सब्जी घर में आ गई है कि नहीं, फिर भी आपको पूछेगी कौन सी सब्जी बनाऊं। अरे भाई चार सब्जी घर में आ गई है तो एक ना एक दिन इसका नंबर आने वाला ही है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है। हाँ तो अपने को आपकी जो मर्जी है बनाओ, उसका प्लानिंग तो होता ही है, आपको सिर्फ पूछते हैं। हाँ एडजस्ट एवरीवेयर, ये मास्टर की है, बहुत जोरदार बात है। तो इसको इसका इलाज क्या है? इलाज कुछ नहीं है, चाहे जो हो जाए फिर आपको डरना है। अगर पूछता है आपको डरना है, हमें खाने से मतलब है, खाने से मतलब है। इच्छा होती है तो वो इच्छा को बताने के लिए मना नहीं कर रहे हैं हम, समझे? इच्छा होती है तो तू भी बोलना कि कभी आप ये बनाते हैं तो अच्छा लगता है, इतना बोल देने का बस। क्योंकि किचन का डिपार्टमेंट लेडीज लोगों का है, उसके वो डिपार्टमेंट में हमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है, समझे? आपका कोई मेनू है तो बोल देना है, वो थोड़ा मना करते हैं, मगर उसके टाइम जब आएगा तब वो बनाएंगे। आप बोले अभी बना दो, आज बना दो, वो से नहीं हो सकता है, वो सब चीजें लानी पड़ती है, सब आपको ऐसे समझाएंगे। हाँ ऐसा होता है। हाँ ये बहुत बढ़िया बात है, एडजस्ट एवरीवेयर। हाँ आपका लड़का है ना, छोटा लड़का है क्या? पोता है, पोता। हाँ तो वो कैप है ना, जैसे उल्टी पहन के आएगा है तो अपने को देख के, अरे वाह बहुत अच्छी लगती है, बस खत्म हो गया। अभी उल्टी पहनी है ना, सीधी पहनी है ना, ऐसी पहन, क्या झंझट करना है? उसको जो अच्छी लगती है ऐसी उसने पहनी है। आप मेरे को क्या है, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी लगती है, एडजस्ट। ऐसा ही बात है, ऐसा ही बात है। अगर ये काल में किसी भी संयोग में अगर हमें सुखी रहना है तो सिर्फ इतना ही करना है, एडजस्ट एवरीवेयर, एडजस्ट। और देखना जहां जहां हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं वही हमारे दुख का कारण है, दुख का कारण वही है। वो सब्जी लेने जाएंगे तो भी आपको पूछेंगे कौन सी सब्जी खाऊं, आप कहना कभी आपको जो ठीक लगे वो लेते हैं, बात खत्म हो गई। और चॉइस हो तो बताना, इसमें चॉइस बताने की मना नहीं है, समझे? पुलिस रास्ते में पकड़ती है तो क्या करते हैं हम? जैसे हो जाते हैं ना, सही गलत करने जाते हैं, क्योंकि हम जिस काम से निकले हैं उधर पहुंचना है, और वो समय चुका है, और वो भी जानता है, वो भी जानता है कि मेरे को कैश लेना है, उसको कुछ काम है, मगर वो पूछता रहेगा आपका नाम बोलो, एड्रेस बोलो, वो पहन लेगा, ऐसे रहेगा, बोलता रहेगा, और हम बोलते जाएंगे भी जल्दी निपटा लो, क्या है, क्या व्यवहार करना है। सही है, सही है, बस बिल्कुल सही है। हाँ एडजस्ट ही होते हैं ना हम।
आप बोलना, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करें, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और उसमें हम निमित्त बने, और उसमें हम निमित्त बने, ऐसी परम शक्ति हमें दे, 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 जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। अब तो पुत्र श्री नवीनानंद जी अब हमारे साथ सत्संग स्वाध्याय की बातें करते रहेंगे। आपकी जो जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। जैसे देश में भी सब कानून होते हैं, कानून, और एक कानून के मुताबिक आप चलते हो तो कोई आपको कुछ भी करेगा नहीं, और कानून के विरुद्ध किया तो कोई ना कोई आपको कुछ भी करेगा। इस तरह भगवान के भी कायदे होते हैं, कुदरत के भी कानून होते हैं। तो कि कुदरत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, तो कि मेरे मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को दुख ना हो, बस। तो आप कुदरत के कानून में आ गए और आपको दुख नहीं आएगा, इतनी भावना करने से दुख नहीं आएगा। पहले का है वो आएगा, लेकिन नया नहीं आएगा, समझे। इसलिए ये भगवान की बात जैसे जैसे समझ में आती है, दिमाग में उतरती है, वैसे वैसे ही संसार में जीने का आसान हो जाता है। सभी भगवानों आसानी से जीवन जिए, इतना सारा प्रॉपर्टी राजपाट वगैरह होते हुए भी कितना भी उनको दुख आया तो अभी उसको दुख नहीं लगा। और हमें थोड़ा सा दुख आता है ना तो दुख लगता है, क्या होता है, हाँ, कोई पेमेंट नहीं देगा ना धंधे में तो भी दुख लगेगा। इसीलिए भगवान की बातों को इस तरह समझ लो कि कभी भी दुख का एहसास ना हो, हम जीवन जीते और जीवन 80 तरह से जीवन जिए, और हम किस लिए आए हैं इस जगत में वो बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म में ही हमें पता चलता है तो कि ये संसार में किस तरह जीना, संसार में से कैसे बाहर निकलना, संसार में लोग क्यों मिले हुए हैं, ये सब समझना पड़ेगा। कहीं कहीं बार तो हमें संसार में अच्छा नहीं लगता है, घरों में हम बोलते हैं कहाँ से इकट्ठे हुए, कहाँ से मिले हमें, ऐसे थोड़े मिले हैं कोई, जैसे शादी के बाद बोले कि बीबी ऐसी क्यों मिली मुझे, तो बीबी बोलती आप तो मुझे पसंद करके लाए, अभी क्यों बोलती लाते हो, क्या बोलेंगी समझ आती है बात। इसलिए अपने किए हुए ही हमारे सामने आता है,
क्या बताया, अपने किए हुए ही कर्मों हमारे सामने आता है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, इससे लिए खुद बखुद जिम्मेदार है। लेकिन जिम्मेदारी हमारे समझ में नहीं आती है, इसलिए दूसरों की गलती निकालते हैं हम। भगवानों ने किसी की गलती नहीं दिखाई, निकाली भी नहीं किसी की गलती, और हम गलती निकालने वाले भगवान से भी ऊपर हो गए, क्या हो गए। इसीलिए ये संसार में से बाहर नहीं निकल पाते हैं, गलतियों की वजह से, दूसरों की गलती देखने से ये जगत में से हम निकल नहीं पाते हैं, और निकलने का मौका सिर्फ ये मनुष्य जन्म में मिलता है। इसलिए भगवान बोलता है मनुष्य जन्म इतनी अच्छी तरह से जीवन जियो कि भगवान भी खुश हो जाए। कौन से भगवान, कौन से भगवान खुश हो जाए, अपने अंदर भगवान है वो। अभी कभी नहीं बोलते मेरी आत्मा कबूल नहीं करती है, मेरी आत्मा नहीं मानती है, क्या क्या बोलते हैं, मतलब के अंदर के भगवान खुश नहीं है, समझे। हाँ, वो अंदर के भगवान को खुश करने का है। कुछ नहीं चलता, भगवान रिश्वत देते नहीं है ना, रिश्वत देने निकलते लोग कि भगवान मेरा कुछ काम हो जाएगा तो इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा, कैसे क्या बोलते हैं। हाँ बोलते हैं भगवान को भी रिश्वत देने वाले हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं होता है, काम अपने कर्मों से होता है। पुण्य होता है तो काम बन जाता है, पाप होता है तो काम नहीं बनता है। पुण्य से काम बन जाता है, हम बोलते हैं भगवान ने वो किया, क्या बोलते हैं। भगवान बोलता है मैं तो कुछ भी करता नहीं हूँ, क्या कुछ भी करे नहीं, इनका नाम भगवान। ये ट्यूबलाइट क्या करती है, प्रकाश देती है। ये प्रकाश के अंदर आपको जो करना है जिम्मेदारी आपकी है। यू आर ऑल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, आपको ही भुगतना पड़ेगा, बस इतना याद रखना। इसमें कोई बीच में नहीं आएगा, घर वाले भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। ऊपर जाते तो कहाँ साथ में आते हैं, हाँ वाइफ होती है तो चौकट के बाहर नहीं जाती है, अब मर जाते हैं ना, वाइफ चौकट के बाहर नहीं जाती, और लड़का होता है ना वो जलाने तक ही साथ में रहता है, बाद में अंदर कोई नहीं गिरता है। आप जाओ आराम से, अभी हम लहर करेंगे, आप तो बोल बोल करते थे हर रोज, अच्छा हुआ गए तो कैसे क्या बोलेंगे, अंदर से बोलेंगे, हाँ बोल बोल करते थे कैसे पूरे दिन, कैसे सर सर मसूरा दे दे करते थे, अभी कोई देने वाला नहीं है, हम आराम से जिंदगी जिएंगे, ऐसे करके जाएंगे। लोग बोलते कि क्या पापा जी को पगे लगता है, पैर छूता है, नहीं ऐसा नहीं, अभी गए तो अच्छा है, अब क्या बोलेंगे। खुश होते हैं, खुश क्योंकि सभी लोग अपने अपने कर्म लेकर आए हैं और कर्म के हिसाब से चल रहा है सबका, और हम हमारे कर्म के हिसाब से दूसरों को चलाने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं बनता है। तो कि पहले सतयुग में घर खेत समान थे, खेत के सब गुलाब है तो घर में सब गुलाब थे, जैसे कोई चंपे थे, चंपा का फूल आता है तो सब चंपा थे। अभी तो घर बगीचा बन चुका है, बगीचा, बगीचे में एक ही तरह का फूल होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग। इस तरह सबकी प्रकृतियां अलग अलग घर में होती है, और प्रकृति को एडजस्ट होना वही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हम हमारी प्रकृति के साथ भी एडजस्ट नहीं होते, दूसरे की प्रकृति के साथ कैसे एडजस्ट होंगे। विशेष भाव से खड़ी हुई उसका नाम प्रकृति। देखिए प्रकृति सबको खत्म पूरी करनी पड़ती है, लेकिन प्रकृति कब पूरी होती है, तो के पुरुष को जानने के बाद। कहाँ है पुरुष, पुरुष किसे बोलेंगे, आत्मा को पुरुष बोलते हैं, और ये शरीर को प्रकृति बोलते हैं। दोनों अलग है लोग, लेकिन दोनों अलग नहीं लगना वो सबसे बड़ा, बस सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है, भ्रांति है, गलत मान्यता है। अलग होते हुए भी हमें अलग नहीं दिखते हैं,
तो ज्ञानी पुरुषों को परमानेंट ये दोनों अलग ही रहते हैं अंदर। जैसे शिव पार्वती का बताया ना, आधा शरीर पार्वती का होता है आधा शिव का होता है, ये तो बताना चाहते हैं ऐसे आधा आधा नहीं होते हैं। तो एक एक एक, एक बाहर का भाग आपका स्त्री है प्रकृति है और अंदर का भाग पुरुष है, ऐसा बताना चाहते हैं। बाहर के भाग को स्त्री क्यों बताए? बाहर के भाग को स्त्री क्यों बताए? बाहर के भाग तो स्त्री प्रकृति, मतलब स्त्री ही है प्रकृति का मतलब प्रकृति। तो हर समय दखल अंदाजी करती रहती है, क्या करती है प्रकृति, हर समय दखल अंदाजी करती रहती है। वैसे स्त्री भी बोलती रहती है, प्रकृति हमारी बोलती रहती है ना बार बार, उसको शुभ नहीं होता तो बार बार बोलती रहती है प्रकृति, क्या करती है। और पुरुष देखता है उसको प्रकृति को, क्या करता है, पुरुष का काम देखने का और काम करने का प्रकृति को। और प्रकृति भी अपने कर्म के हिसाब से चलती है, क्या होती है प्रकृति भी हमारे कर्म के हिसाब से चलती है, अपने खुद ब खुद नहीं चलती, वो हिसाब नहीं है तो कुछ भी कर सकती नहीं है प्रकृति, खत्म हो जाएगी यहाँ हिसाब लेना देना है, इसीलिए प्रकृति खड़ी हुई है। पहले की गलतियों के कारण प्रकृति खड़ी हुई है। सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, सबकी घर में सबकी प्रकृति अलग, दो साथ जुड़वा भाई होते ना इसकी भी प्रकृति अलग होती है, क्योंकि दोनों का टाइम अलग हो जाता है, क्या होता है टाइमिंग अलग होता है दोनों का, इसलिए दोनों का अलग अलग होता है। बोलो कुछ बात करो आगे कुछ। मैं कहना चाह रहा हूँ सर के सत्यनारायण जी है ना सर, वो अंदर से बड़े, इनकी जो बात मैं कभी एक सुनी थी तो मैं मन में दुख भी होता है और शिकायत भी होती है इनसे कि इतना भी हमें नहीं समझा क्या भाई, हम पड़ोसी हैं तो कोई सुख दुख हो तो याद किया जा सकता है। अब मैं इनकी बात करता था, उन्होंने मतलब इनके माता जी एक्सपायर हुए थे, मैंने सुना रात भर अकेले बैठे रहे जबकि हम पड़ोस में बैठे, पर इनका सोचना ये है कि नहीं किसी को तकलीफ नहीं, इनका सोचना ये एक साइड ये सही है बराबर, लेकिन एक साइड हमें दुख होता है कि हमें मतलब इस लायक ही नहीं समझा। ऐसे लायक की बात नहीं है, लेकिन वो किसी को दुख हुए ऐसा करना नहीं चाहते हैं, दुख देने की भावना नहीं होती, भावना वो थी कि किसी को परेशान नहीं करना, परेशान नहीं करना है बस, इनकी भावना थी, लेकिन हमारी भावना ये है कि यार हमें इस लायक नहीं समझा कि हम सुख दुख में इनके काम तो ये सोचता हूँ जब कभी भी मैं इनको देखता हूँ ना दिमाग में वही बात घर कर गई है कि यार बचपन के साथ थी, इतने साथ रहे अपन और इनके गांव तक गए, हम खूब साथ रहे और चार मकान छोड़ के मेरा मकान, तो एक फोन कर देते तो हम हाजिर हो जाते, लेकिन मैंने सुना कि रात भर बितन सिंह जी बन के क्या सत्यनारायण जी कहड़ा आदमी जो रात भर अकेला बैठा रही है, वो किसी को दुख देना नहीं चाहते और एक साइड ये देखता हूं, एक साइड ये देखता और किसी की नींद भी बिगाड़ने नहीं चाहते। मैं तो बिगाड़ रहा हूँ, मैं दूसरों की नींद क्यों बिगाड़ू, इनका सोच अपनी जगह सही था लेकिन और ये अकेले बैठे होंगे तो अभी कोई ये नहीं है, और आप साथ में आकर बैठेंगे वो बाद में कुछ भी नहीं है, वो भी क्या है व्यवहार, लेकिन व्यवहार में बताना चाहिए भी ऐसा हुआ है, बाद में आना नहीं आना उसकी मर्जी, आना नहीं आना वो बराबर है, इसलिए व्यवहार व्यवहार के तरीके पहले भी इन्होंने कोई मैसेज डाला था, मैंने देखा ही नहीं था, सत्संग थे ध्यान नहीं दिया था छोड़ने के, यहाँ से आज तो सुबह 9 बजे देख लिया मैंने मैसेज, 9:15 जब मैंने मूल जी को फोन किया मैंने कहा मूल जी आई जो देखो ना आज आपको कितने दिन से मैसेज, आपके मित्र है इसलिए मैसेज मैंने अटेंड किया था, पीछे हुआ था जब मैसेज रखा आपने फिर भी आपने नहीं देखा, देखो ना आप बोलते नहीं देखा, हाँ आज नहीं देखा ना, हाँ आज नहीं देखा, देखो आज तो अब देख लिया, इसलिए देखना नहीं देखना हमारे हाथ में नहीं है, वो
समझे, हम और कितने सारे मैसेज देखते हैं, लेकिन जो काम के वो रह जाते हैं कभी कभी, वो बोलते आप मैसेज नहीं देखते हो, ऐसा बोलते हैं कभी कभी। ये आज मेरे यहाँ हाजिर होना लिखा है इसलिए। संजोग आपके, आप दोनों का मिलन संजोग दर्शन लिखे आपके पीछे भूल जी के भी होंगे। इसीलिए अभी तक हमने बहुत सारे धर्म किए, अनंत जन्मों से हम करते करते आए हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन इसका फल आता है कि नहीं आता है वो हम कभी नहीं देखा। कोई भी क्रिया हम करते हैं तो इसका परिणाम तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बराबर है। जैसे शैम्पू से बाल साफ करते हैं तो साफ होता है कि नहीं होता है, हमें मालूम होता है कि भाई साफ हो गया, बराबर। तो इस तरह एक धार्मिक क्रिया करते समय हमें इसका फल आता है कि नहीं वो हमें देखना चाहिए, लेकिन कोई देखते नहीं, बस करते जाते हैं करते जाते हैं, और एक क्रिया किस लिए करने की है वो भी मालूम नहीं है। जैसे यहाँ कुछ भी क्रिया करते हैं तो मालूम है, जैसे बाइक लेकर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं तो हमें पता चलता है कहीं जाना है हमें, और डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, बाद में हम गाड़ी को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे डेस्टिनेशन पर, क्या करेंगे, पार्क कर देंगे ना। जैसे ऊपर जाना है, स्टेप है हमारे घर में, तो पहले स्टेप को हमें पसंद आ गया तो बाद में ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे, हम तो वहीं बैठे हैं, बस ये पसंद है हमें, तो हम तो बहुत संतुष्ट है इसे, क्या बोलकर वहीं बैठ जाएंगे। भाई ऊपर जाना है तो पहला स्टेप छोड़ना पड़ेगा, दूसरा छोड़ना पड़ेगा, तीसरा छोड़ना पड़ेगा, बाद में आप ऊपर पहुँचोगे। लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता, इतनी सारी क्रिया, इतने सारा डेवलपमेंट होते हुए भी, बाहर का डेवलपमेंट है लेकिन आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं है इसका, यहाँ समझे। बाहर का तो बहुत डेवलपमेंट है, सारी अच्छी अच्छी पोस्ट पर सब है, अच्छा अच्छा पेशा जांच किया हुआ है, लिया हुआ है, लेकिन अंदर की बात पता नहीं है। और अंदर की बात जिसको पता चलने की शुरुआत हो गई तो समझना कि हम अभी आँख हमारी खुल गई है, नहीं तो आँखें बंद है। आंखें बंद करके पूरे दिन का काम कार्य हम करते जाते हैं, आंखें बंद है क्योंकि संसार का कार्य हो रहा है, लेकिन हम बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, क्या है, इसलिए उसको बंद आंख वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हो रहा है इसमें आपने क्या किया, वो तो आपके कर्म से हिसाब से हो ही रहा है, साधारण प्रयत्न करने की जरूरत है। प्रयत्न करने के बाद जो फल आता है ना, तो क्या फल हमें मंजूर नहीं होता है, ये कहाँ से आ गया, मैंने तो बहुत अच्छा किया था फिर भी ऐसा हुआ, कितनी मैं पूजा करता था, कितनी भक्ति करता था तो भी ऐसा परिणाम आया, भगवान देखते ही नहीं है कुछ, क्या बोलेंगे, भगवान तो बार बार देखते हैं कि तेरा कर्म आया है अभी ये पाप का, तो तू पूरा करने, ये भगवान अंदर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसलिए कर्मों से छूटना वही मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है, एक कर्म से छूटना, नहीं तो एक कर्म का बंधन लगता ही जाता है, हर रोज लगता ही जाता है, पुराने कर्म खत्म होते हैं, नए कर्म चार्ज होते जाते हैं, जैसे मोबाइल में बैटरी पुरानी खत्म होती जाती है और साथ में वायर लगाया हुआ है तो चार्ज होती जाती है। इसलिए ऐसे कोई ज्ञानी आए सच्ची बात बताते हैं तब हमारे समझ में आते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो जो बात बताते हैं वो पूरे अनुभव से बताते हैं, पूरी बात समझ कर बताते हैं, वो किसी शास्त्र के आधार पर नहीं बोलते हैं, समझे, अपना अनुभव की बात करते हैं, और अनुभव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ही उतर जाती है, क्योंकि अनुभवी पुरुष की बात होती है। इसलिए जब तक अनुभवी पुरुष नहीं मिलते हैं तब तक हमारा काम नहीं होता है, जो काम करने के लिए हम आए हुए हैं तो वो काम हमारा होता नहीं है, ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए तो काम हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन अनुभवी पुरुष मिलना और उनकी पहचान होनी इतनी आसान नहीं है। इसलिए एक जगह पर बताया है, मोक्ष सरल है, सहज है, सुगम है, लेकिन उनका दाता अति अति 100 बार दुर्लभ है। कितनी बार? 100 बार।
सौ बार इसका दाता दुर्लभ है, मोक्ष तो है लेकिन कोई कराने वाला चाहिए नहीं। तो क्या ऐसे पुरुष होते नहीं है कभी, हमारी बहुत सारी पुण्य जमा होती है तब ये पुरुष का अवतरण होता है और हमें मिल जाते हैं और हमारा काम बन जाता है, नहीं तो होते हुए भी मालूम नहीं होता है, बाजू के घर में होते हैं ना तो अभी मालूम नहीं पड़ेगा, बाहर से लोग आकर उसका लाभ ले जाएगा लेकिन हम बाजू वाले नहीं ले पाएंगे। जैसे आपके मित्र सब पाए हुए हैं लेकिन हम कब 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 पूछते हैं, कब जानने की कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं बचपन के मित्र हैं, क्या बोलते हैं क्योंकि आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसे आपने मुझे नहीं बताया कैसा हुआ है मुझे। दूसरों की तकलीफों का ध्यान रखना वही सबसे बड़ा मनुष्यपना है, मानव धर्म है, दूसरों के क्या तकलीफ पड़ती है वो देखना। लेकिन हम तो बुला लेंगे और आराम से हम बाहर घूमेंगे, क्या करेंगे वो बैठे रहेंगे, बाहर से आए हुए वो बैठे रहेंगे ना, हम बाहर जाएंगे क्या कैसे करेंगे। इसलिए भगवान जो थे दूसरों की तकलीफों का ध्यान रखते थे। पहले के श्रेष्ठ पुरुषों थे, श्रेष्ठ भगवानों के समय में दूसरों का पूरे दिन ध्यान रखते थे, दूसरों को क्या तकलीफ है वो मैं जाके दूर करूं, दूसरों को क्या तकलीफ है मैं जाकर दूर करूं, और ऐसा ध्यान रखने से कुछ को कभी तकलीफ आती ही नहीं है। समझो जो दूसरों का ध्यान रखते हैं इसको कभी भी तकलीफ नहीं आती है, उनका दुख भूल जाते हैं। हाँ, उनका कुदरत संभाल लेती है, क्या होती है कुदरत संभाल लेती है। इसीलिए भगवान ने बताया जब तक अपने अंदर आत्मा की पहचान नहीं हुई है तो सही आत्मा हमारे अंदर, भगवान भी है अंदर, आत्मा भगवान है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हुई है तब तक आप अपना जीवन दूसरों के लिए जियो, जिसके साथ हमारा लेना देना नहीं है उसके लिए, लेना देना है तो कंपलसरी करना ही पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक, नहीं करना है तो भी करना पड़ेगा। जैसे घर में बेटी होगी उसका बेटा आया है तो आपको नहीं रखना है तो भी रखना पड़ेगा, लो पापा रखो इसको, क्या वो करेंगे नहीं, हमको उसको संभालना भी नहीं आता है तो भी संभालना पड़ेगा, क्या करेंगे, हमको प्रैक्टिस नहीं होती है पुरुषों को तो नहीं रखना पड़ता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने एक वाक्य दिया, योग उपयोग परोपकाराय, क्या बताया, योग उपयोग परोपकाराय, आपको जो मन वाणी और शरीर जो मिला है ये दूसरों के लिए खर्च कर दो बस, तो आपको अनुभव कराने वाले या सुख सामने से आएगा, लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दादा भगवान ने एक सेंटेंस बताया, सुख की दुकान निकालो, क्या बताया, सुख की दुकान होती है, क्या बोलते हैं, कहाँ है वो मिठाइयाँ की दुकान सब होती है, सुख की दुकान कहाँ होती है, आपके पास है ना आपके पास नहीं है पक्के व्यापार ये तो सिर्फ तय करने का है कि जो जो मिले उनको मुझे सुख देने का है, दिया नहीं दिया वो देखने की जरूरत नहीं है, भगवान के वहां भाव की कीमत होती है, क्या होती है, जैसा भाव वैसा भाव, बताया है ना, तो के अंदर भाव की कीमत होती है, आपने भाव किया तो सुख दे ही दिया और आपने दुख देने का भाव किया तो नहीं दिया तो भी दिया बराबर है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि हमने सुख की दुकान निकाली थी, जो जो मिले इसको सुख देते गए और हमें दुख पसंद नहीं था इसलिए हमें क्या किया, कोई दुख दे गया इसको हमें जमा कर लिया, आपको फिर से चाहिए दुख तो फिर से दे देने का, क्या करने का, नहीं चाहिए तो जमा कर देने का, इसलिए हमें जो जो दुख देने आए सब जमा कर लिया। ऐसे करते 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 हमारे अंदर भगवान का प्रागट्य हुआ, क्या हुआ, भगवान तो प्रकट होने के लिए बैठे हुए कि मैं उसको फल दूँ इसको फल दूँ, लेकिन आपको आपके पास ऐसी रीत होनी चाहिए ना, भगवान तो अंदर बैठे हैं कि मैं उसको उनका काम हो जाए इस तरह मैं उसको प्रकट हो इसके अंदर, तो दादा भगवान के अंदर भगवान प्रकट हुए,
इसलिए दादा भगवान बोलते थे। हम दादा भगवान नहीं है, हम तो A.M. पटेल है। उनका नाम था अंबालाल मुड़जी भाई पटेल था नाम उसका, समझे। तो के ये नाम है, और हमसे जब ज्ञान प्रकट हुआ तो ये शरीर ज्ञानी पुरुष बना। क्या बना? आत्मज्ञानी पुरुष। तो के ज्ञानी पुरुष का मतलब क्या? ये वर्ल्ड की कोई भी चीज जानने की उसको बाकी नहीं है, वो ज्ञानी है। उसको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, माला घुमाने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत उपवास वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और भगवान जो अंदर प्रकट हुए वो है, कैसे हम उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि एक ज्ञानी को भी 4 मार्क से पास होने का बाकी है। क्या है? पास होने के लिए 360 डिग्री मार्क चाहिए, लेकिन हमारा 356 पर अटक गया। इसलिए जो केवल ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान जो होता है 360 डिग्री का होता है। ये प्राप्त तो हो गया तो आप मुक्त तो हो जाते हो, लेकिन हमें एक काल के हिसाब से 4 मार्क कम आए, इसलिए दोनों का भेद रखना पड़ा। ये ज्ञानी पुरुष और हम दादा भगवान अंदर प्रकट हुए वो, क्योंकि हम भी भजना करते पूरा होने के लिए, हमें भी पूरा होना है, हमें भी उसका फायदा उठाना है, इसलिए हम बोलते हैं कि भी हमारे अंदर प्रकट हुए तो आपको भी फायदा होगा, मुझे हुआ है तो आपको भी फायदा होगा। इसलिए भगवान सामने होना और उसकी पहचान होनी इतनी आसान नहीं है। इतने सारे 100 कौरव साथ में होते हुए भी कृष्ण भगवान को पहचान नहीं पाते थे, और पांडवों में सिर्फ अर्जुन ने पहचाना, समझे। और जो 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 पहचान लेते हैं उसका काम निकल जाता है। जैसे हमारा ये जन्म है, ये पूरा गया पिछले अवतार का फल है पूरा। जो जो हम कर्म करके आए हैं उनका फल अभी भुगत रहे हैं। अभी फल में बदलाव नहीं हो सकता है, समझे। फल जो आया है अभी, इसमें कितना भी आप प्रयास करेंगे तो अभी बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान है तो इसके आधार पर आपको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा आपको, समझे। बाकी कर्म तो वही आएंगे, लेकिन वो समझ काम करेगी, ये मेरा कर्म का फल है, मेरा कर्म का फल है, सामने वाले दोषित नहीं है, निर्दोष है, ऐसी समझ रहने से आपको असर नहीं होगी, असर मुक्त रह पाते हैं। जैसे हम कोरोना से मुक्त रहने के लिए वो बांधते थे मास्क, कैसे बांधते, बाहर निकलते तो पहन के निकलते थे, नहीं कहीं कहीं जगह पर जाते थे, नहीं होता तो वहां से देते थे, क्या करते थे एयरपोर्ट वगैरह ऊपर। तो भगवान प्रकट होते जाते हैं, असर मुक्त होते हैं, तो क्योंकि आप अपनी जगह पर आ गए, इसीलिए असर क्यों नहीं हुई और असर क्यों हुई, तो असर क्यों होती है तक हम शरीर भाग में घुस जाते हैं, क्या होते हैं, और असर नहीं होने का मतलब आप अपने भाग में रहे, और अपने भाग में रहने से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सही जगह पर आ गए। इसलिए भगवान का प्रागट्य ऐसे होता है, जैसे जैसे अपनी गलती दिखाई देती है और दूसरे जीव मात्र निर्दोष दिखाई देते हैं, तो भगवान का प्रागट्य होता ही जाता है, होता ही जाता है। भगवान प्रत्यक्ष होते जाते हैं, हमारे अंदर भी भगवान का लाभ मिलता जाता है हमें। सभी भगवानों ने खुद के अंदर भगवान का लाभ लिया, क्या किया, भगवान के अंदर जो थे अंदर उनका लाभ लिया उन्होंने। और भगवान बिल्कुल मोक्ष स्वरूप है, क्या है, भगवान मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष का मतलब सभी कर्म होते हुए, कैसे भी कर्म होते हुए हम असरों से मुक्त रह पाए, अपने खुद के सुख में रह पाए, उनको भगवान ने मोक्ष शरीर के साथ का बताया गया है। शरीर के साथ मोक्ष का अनुभव होता है तो समझ लेने का कि वो मोक्ष सामने से आएगा, मालाएं लेकर आएगा, आपको अभी जाना पड़ेगा, आपको अभी जाना पड़ेगा। जैसे कोई होशियार वकील होते हैं तो नहीं बोलते भी ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, आपके अलावा नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं नूट सिंह जी, आपके अलावा ये काम नहीं होगा किसी से, इसलिए ऐसा हो जाता है अंदर विश्वास। हाँ, क्या आप धर्म करते हो जी?
धर्म में क्या करते हो, किसकी पूजा आप भक्ति वगैरह करते हो? हनुमान जी का आप? बराबर है। निर्गुण भक्ति, लेकिन निर्गुण समझना पड़ता है। निर्गुण क्या है? निर्गुण तो के सब लोग बोलते हैं आत्मा निर्गुण है, क्या बोलते हैं? निर्गुण है, लेकिन आत्मा तो गुणों से भरपूर है। क्या है? बहुत सारे गुण है। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ, मैं अविनाशी हूँ, बहुत सारे गुण है, लेकिन चार मुख्यत्व गुण है, ज्ञान धर्म चारित्र और तप। तो के ये गुणों से भरपूर है, लेकिन वो प्रकृति के गुणों से निर्गुण है। क्या है? इसलिए प्रकृति का एक भी गुण इसमें नहीं है और उनका एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, दोनों अलग है। क्या है? इसलिए प्रकृति के हिसाब के आत्मा निर्गुण है, उनकी अपेक्षा ऐसे कि भाई ये प्रकृति के गुणों से वो निर्गुण है, बाकी अपने गुणों से तो बहुत भरपूर है। इसलिए एक कबीर जी या किसी ने दिखाया हुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए? बलिहारी उस गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद को दिखा है। तो गोविंद कौन से? बड़े गुरु गोविंद, अंदर वाले गोविंद, अंदर जो दिखा है वो सच्चे गुरु है, इसका अनुभव कराए, आपको हाथ में दे दे, आपको मुक्त कर दे और आपको मुक्तता का अनुभव होने लगे, वो समझना के गुरु गोविंद गोविंद को बता दिया है। और कबीर साहब ने भी बताया, सब घट मेरे साईया, क्या बताया? मेरा साई सभी घट में है, सब घट मेरे साईया, खाली घट न कोई, बलियारी उस गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद को दिखाए। बलियारी उस वो गुरुदेव की है कि अपने अंदर जो भगवान है इसका अनुभव करवाए, और ये अनुभव करने के बाद आपको खुद को अनुभव के रूप में रह सकते हैं। वो ऐसी दृष्टि दे देते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है। वो अनुभव करने के लिए कोई क्रिया नहीं बताते हैं कि इतना ध्यान करके आओ, इतना उपवास करके आओ, इतना व्रत करके आओ, इतनी माला घुमा के आओ, ऐसा नहीं बोलते। वो खुद बखुद करके देते हैं, क्योंकि एक काल में किसी की भी अभी कैपेसिटी नहीं रही है कि अपने आप हो सकता है ऐसा। क्योंकि अपने आप कब हो सकता है? तो कि जब मन वचन काया का एकात्मा योग हो तब अपने आप से हो सकता है। अभी मन वचन काया का एकात्मा योग नहीं है, एक काल में टूट चुका है पूरा, मन में है ऐसे वाणी में नहीं बोला जाता, ऐसी ऐसा नहीं होता, इसीलिए तीनों तीन अलग दिशा में चल रहे हैं। तो कि ऐसे तीन दिशाओं में अलग चलते हैं तब ऐसे ज्ञानी पुरुष का प्रागट्य होता है, सीधा देने वाला, क्या सीधे सीधा आत्मानुभव करवाने वाले ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं हमें। और अभी ये पूरा कृपा का मार्ग बचा हुआ है, क्या कृपा का मार्ग, कृपा के बिना अभी कुछ भी अपने आप से नहीं हो सकता है। कृपा 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 इसका मार्ग बचा हुआ है, उनकी कृपा से हम खुद कौन है वो जन अपने आप वो अनुभव करवा देते हैं। बाद में आप अपने अनुभव में रहते हैं, वो ऐसा नहीं बोलता आप मेरे पीछे पढ़ो, मुझे मानो, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। आप अपने पीछे भी पढ़ो, क्या बोलते हैं? मेरे पीछे नहीं पढ़ने का, भी मेरे देने के बाद आपके पीछे पढ़ने का। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं ना कभी भी नहीं बोलते मेरे पीछे पढ़ो, वो एक बार अनुभव करा कि आपको मुक्त करवा देते हैं, क्या बाद में आप अपना अनुभव करते रहो, क्योंकि पूरा जीवन अनुभव के लिए ही है। पूरे जीवन में कितने सारे अनुभव होते हैं, घर में भी कितना अनुभव होता है, नहीं होता है? कभी कभी लोग अच्छे नहीं मिलते तो क्या बोलते हैं? अभी फिर से नहीं मिला तो अच्छा है, वो अनुभव ही है ना, फिर से नहीं मिलने का क्या है? सब अनुभव होता है, सबसे ज्यादा अनुभव घर में होता है, एक काल में सबसे ज्यादा तप घर में होता है, बाहर करने की जरूरत नहीं है।
घर में ही तप होता है। वाइफ बोलते कितने टाइम से आपको बोला कि टाइम सर आओ, टाइम सर नहीं आते हो, आपको तो कुछ काम है तभी टाइम सर नहीं आते हैं ना। तो इस तरह अंदर इसके लिए नहीं बिगड़े अंदर, तब अंदर समझ जाएगा तप किया आपने। तो भाई हनुमान जी आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? सामने आ जाए तो वो पूछ वाले नहीं होगे, हाँ समझ लो, आप जैसा मानेंगे वैसा नहीं होगे। मतलब भावना धावना हनुमान जी की है, लेकिन देवी कवच का पाठ डेली करता हूँ। बराबर है, बहुत अच्छा है। और ये देवी जी की जो भक्ति है ना, वो हमारी जो प्रकृति है ना, इसको सहज करने के लिए होती है। क्या होती है? और देवी का मतलब सहजता की देवी, हाँ उनका पूरा प्रकृति सहज हो चुकी है, और आत्मा तो वैसे सहज है लेकिन प्रकृति को सहज करने की है। प्रकृति सहज हो गई तो मोक्ष हो गया, आत्मा सहज है प्रकृति सहज हुई तो मोक्ष हो जाता है। तो क्या प्रकृति सहज का मतलब क्या? तो क्या पब्लिक ट्रस्ट बन जाना पड़ता है। कैसा पब्लिक ट्रस्ट? हम अपने हिसाब से चलते हैं कि लोगों के हिसाब से चलते हैं? अपने हिसाब से, मतलब हम सहज नहीं है। सहज का मतलब जैसे कर्म चलाता है इसके हिसाब से हमें चलना, तो वो सहज हो जाती है प्रकृति हमारी। जैसे दादा भगवान थे, वो ठेकेदारे का काम करते थे, बराबर, तो उसको बाहर काम बहुत था, बाहर महाराष्ट्र की ओर वगैरह। तो दादा भगवान को जब जाने का होता था धंधे पर, तब उनकी वाइफ को पूछते थे कि हम यहाँ 15 दिन के लिए अभी जा रहे हैं, तो उनकी वाइफ बहुत बताए कि भाई 2 दिन के बाद जाना, अभी मत जाना। तो वो तुरंत ही प्रोग्राम कैंसिल करके 2 दिन के बाद का बना देते थे। मतलब कि दूसरों के आधार पर चले, दूसरों के आधार पर चले तो प्रकृति सहज होती जाती है, लेकिन दूसरों के आधार पर चलना इतना आसान नहीं है। कितनी सारी समझ अंदर सेटअप होती है तब आप दूसरों के आधार पर चल सकते हो, क्योंकि दूसरे भी हमें नहीं चलाते हैं, हमारा कर्म हमें चलाते हैं। वो तो एक निमित्त के रूप में चलाते हैं। क्या होता है? निमित्त के रूप में, सचमुच में तो हमारा कर्म ही चलाते हैं। इसलिए दादा बोलते कोई हमें रेड सिग्नल बताए ना तो हम तुरंत गाड़ी स्टॉप कर देते थे, क्योंकि वहाँ जैसे रेड सिग्नल बताते तो वो गाड़ी भी रुक जाती है ना, नहीं तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों के हिसाब से हम चलते थे। लोग बोले कि यहाँ जाना है सत्संग के लिए 2 दिन के, तो हम चले जाते थे। कोई के वापिस आ जाओ तो हम वापिस आ जाते थे। हमारा कोई चलन नहीं, हमारा जीवन में हमारा कोई चलन नहीं। जिसका चलन नहीं होता है ये बाहर के भाग में, वो भगवान होते हैं। जैसे राम भगवान राज्याभिषेक होने वाला था, बराबर, तो उनकी माता जी ने बताया कि आपको वन में जाना है, तो उनका चलन चलाया उन्होंने। वो राजा था तो उनका चलन नहीं चलता है, बोलो ना। फिर भी उन्होंने क्या डिसाइड किया? वन में जाने का, दूसरों के आधार पर चले। क्या हुआ? दूसरों के आधार पर चले, इसलिए भगवान होते गए आप, और लोग आपका दर्शन करेंगे। क्या करेंगे? सहज का लोग दर्शन करते हैं, असहज का लोग दर्शन नहीं करते हैं, समझे? जैसे पहले रानी साहब सिक्का आता था, रानी साहब पहले चांदी का आता था, हाँ पहले आता था, लेकिन बाद में वो बंद हो गया। तो लोगों के पास था तो सही ना, लेकिन क्या किया उन्होंने वो सिक्के को, क्या किया? चांदी के दे दो, जमा करने लग गया। नहीं, वो भगवान के पास रख दिया धनतेरस के लिए, धोने के लिए। जो जो चलन जिसका नहीं चला तो भगवान के चरण में वो गए, क्या गया? और जिसका चलन चलता है वो दुनिया में घूमते रहते हैं। क्या होता है? जैसे अभी जो लक्ष्मी चल रही है तो इसके हाथ में से इसके हाथ में, इसके हाथ में से इसके हाथ में चलती रहती है। इसलिए दादा भगवान ने बताया हमारा चलन कहीं जगह पर हमने नहीं रखा तो हमारे भगवान के स्थान, भगवान के चरणों में हमारा स्थान हो गया।
इसलिए कहीं भी चलन नहीं चलाने का, संजो क्या कम काम कर रहा है वो देखने का। बेटा ने आज बताया कि आज आपको सत्संग नहीं रखने का है, संभल लेने का अभी हमारा मौका है नहीं, सत्संग रखने का टाइम पका हुआ नहीं है, इसलिए बोलने का भाई रखो तो अच्छा है, वो आए हैं तो चले जाने वाला है। फिर भी बोलते का आज मुझे भी सूट नहीं होगा, बेटा बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो ओके करके आगे बढ़ने का, क्या करने का, हम तो सत्संग इधर करना है, घर पर करना है और यहाँ भी करना है, सत्संग तो मिल ही जाता है ना। हाँ, क्योंकि उनका भी पुण्योदय नहीं हुआ है कोई सुनने का, और कितना पुण्योदय होता है तब घर बैठे के सुनने को मिलता है, क्या होता है। हाँ, लक्ष्मी घर पर तिलक करने के लिए आई तो हम क्या करते हैं, बाद में मुंह साफ करने जाते हैं, लक्ष्मी जी चांदला करने आती है, वो तिलक करने आती है, बाहर चले जाते हैं। हाँ, बाहर निकल जाएंगे, जैसे हम अभी गए थे वो रात को अक्षय जी के वहां, घर में परिवार में पूरे घर में थे तो कोई बाहर नहीं बैठे, बाहर नहीं नहीं बैठे, पुण्योदय नहीं है, एक भी नहीं बैठे, पुण्योदय नहीं है, समझो। जिसका पुण्योदय था वो बाहर से आ गए, क्या हुआ, वो बाहर से आ गए, लेकिन उनका पुण्योदय नहीं था तो नहीं निकले, उनके सब अंदर ही थे, बच्चा कुदरत निकलने नहीं देती, उसको इकट्ठा नहीं होने देती ये संजोग को, ये संजोग इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। समझ में आया, ये चलन वाली जो लक्ष्मी होती है ना, एक हाथ से दूसरे हाथ से घूमती रहती है, और जो चलन में चल नहीं होता है ना वो भगवान के पास रख दी जाती है, धनतेरस के दिए वो धन धोने के लिए, क्या करते हैं, चांदी के दिए तो कहाँ फेंक दे उसको, चांदी का सिक्का, रानी छाप, आजकल रानी छाप ए हैं बटे भगवान ने आले में डाले सा। इसलिए दादा भगवान ने बताया, हमने हमारा चलन ही छोड़ दिया था, इसलिए हम पब्लिक ट्रस्ट बन गए थे, क्या बताए थे, पब्लिक ट्रस्ट, पहले हम पोटला रखते थे ना, जैसे स्त्री को पोटला को, जैसे स्त्री वाला आता है तो सब कपड़ा लेकर वो पोटला बनाता है ना, तो हम पोटले के जैसा हो गया तो के पोटले को इधर से उधर रखते, पोटला कुछ बोलता है नहीं, हम भी ऐसा ही हो गए पोटले, दादा कहते हम पोटले है, क्या है, आप पोटला नहीं दिए ही ले जाओ, नहीं दिए ले जाओ, हमारा कोई भी चलन इसमें है, ये भगवान की निशानी है, क्या है, भगवान सभी ऐसे हो गए, ऐसे रहते थे, पूरा उसके हाथ में सत्ता होने के बावजूद भी अपनी सत्ता का उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया, बोलो, उनका नाम भगवान, और भगवान जानते थे सचमुच में कि मेरी सत्ता कहाँ चलती है, हमारी अंदर सत्ता चलती है, क्या है, बाहर अपनी सत्ता नहीं चलती है, वो हमारे कर्म के हिसाब से सत्ता चलती है, और हम अंदर की सत्ता के लिए हम जब भी रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं, अंदर की सत्ता बहुत बड़ी बात है, निज सत्ता बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, निज सत्ता, ये तो बड़ी सब पर सत्ता है, पर सत्ता मतलब के कर्म के आधार पर चलना, वो सब पर सत्ता है, और दादा भगवान एक शब्द दिया उस दूसरा परवस्ता, परवस्ता दूसरों को वश में रहकर चलना, अभी ये काल ऐसा आया है ना, घर वालों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको बाजू पर बिठा देंगे, क्या कहे, घर वालों के हिसाब से चलना पड़ता है, वो जैसे बोले आपको जाने की इच्छा नहीं है तो भी जाना पड़ेगा, बोलो, इसलिए बहुत बड़ी बात होती है, इस संसार से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, और जो निकल गए वो महान हो गए, क्या, इस संसार में से, ये चक्रावे में से कोई निकल नहीं पाया, सब अंदर फंसते गए, जितने जितने कोशिश की संसार में से निकलने की, वो सब अंदर डूबते गए बिना पानी के डूबते गए, क्या हुआ, बिना पानी, हाँ पानी वही तो है ना, वही तो है, पानी बिना में से कौन निकाले, उसको लगा था मैं तो डूबा ही नहीं हूँ इसलिए, पानी में डूबा है तो कोई निकाल सकते हैं ना, लेकिन पानी में पानी है नहीं तो कौन निकालेगा, वो तो अपना माना हुआ है कि मैं डूब गया, बिना पानी के डूबना यानी अपना आप बैस पानी में बैठ गई, हाँ, इसलिए बहुत बड़ी बात है कि भगवान को मिलना,
अपने आत्मा की पहचान होनी, अपने आत्मा में रहना, ये संसार में रहते हुए संसार में से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात होती है। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार होते हुए संसार में रहकर संसार छूटते जाना चाहिए, वही सबसे बड़ा अध्यात्म है। क्या है सबसे बड़ा अध्यात्म? किसी कोई भगवान साधु नहीं थे, सब भगवान अच्छे अच्छे राजा थे, सब राम राजा थे, कृष्ण राजा थे, महावीर भगवान राजा थे, फिर भी उसके पास जो भी है चला जाए तो उसको कुछ होता ही भी नहीं है फिर भी, और जाने के बाद उसको याद भी नहीं आता कि मैंने इतना छोड़ के मैं आया हूं। अभी कोई छोड़ के जाएगा तो बताएगा मैंने इतना है करोड़ों की संपत्ति छोड़ के मैं साधु बना हूं, क्या बोलेंगे? भाई किसको बोला तुमको बनने को? बार बार बोलता रहता है ऐसा, करोड़ों की जायदाद छोड़ के मैं आया हूं। ये तो आपकी नहीं थी इसलिए छूट गई, आपकी थी नहीं। ये घर वाले भी खुश हो जाते कभी पूरा सामान मुझे मिल गया, गए तो अच्छा है, क्या होता है? नहीं तो देते नहीं थे, थोड़े थोड़े निकाल कर देते थे, अभी तो पूरा मेरा हक्का हो गया, क्या हो जाता है? लॉटरी लग गई। इतने पक्के हैं ना ये संसार में लोग, इतने पक्के हैं। नहीं नहीं कच्चे हैं। नहीं हम कच्चे पड़ जाते हैं, वो तो नहीं, 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 कच्चे हैं कि भगवान को नहीं पहचान पाते। ये बाबत में तो कच्चे ही है, नहीं लगता माना हुआ पक्का है। क्या है माना हुआ? हम बहुत पक्के हैं समझे, लेकिन पक्के नहीं होते हैं। पक्के तो किसको बोला जाता है? धर्म हाथ में आने के बाद इसमें कभी भी कच्चा नहीं पड़े वो पक्के है। जो मूल चीज हाथ में आने के बाद कभी कच्चा नहीं पड़े वो सही बात है। हनुमान जी भगवान की आज्ञा में कैसे रहते थे? राम भगवान की आज्ञा में, भगवान की बोलो ना, तो बहुत बढ़िया है। ये उन्होंने नहीं बताया, तो भगवान की पहचान करके बैठे हुए हैं, ये बात नहीं बताई उन्होंने? सर वही तो कह रहा हूँ, इनका दिल मतलब इतना साफ है, मतलब दूसरों के प्रति मतलब कितना इनका मतलब दो मित्र है, दो मित्र थे, इतनी बड़ी सोच है, दो मिनट किसी को परेशान नहीं करना, दो मित्रों थे, उन्होंने तय किया जिसको भी ज्ञानी पुरुष मिले उसको बता देने का, दोनों मित्रों ने ऐसा तय किया था। उसको मिला तो दूसरों ने बताया भाई ये ज्ञानी है बैठ जा, बैठ गए, दोनों का काम हो गया। हम भी ऐसे बैठे सर है, हमको भी ललिता ने कहा बैठ जा, हाँ तो बैठ गए। आप उनको भी बोलो कुछ, आप मित्र तो बोल सकते ना, नेस्ले अनुमारे उन्होंने मिले मुझे, तो उन्होंने उन्होंने कहा भाई बैठ जाओ, बैठ गए। और उस समय तो ऐसा कोई फायदा सोच के नहीं बैठे थे, ऐसे ही हाँ उन्होंने कहा बैठ गए, ऐसे ही रहने का, पता चला कि तो लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। जैसे बच्चा होता है छोटा, इसको मालूम होता है कोई भी चीज, लेकिन माँ जो जो करती करवाती है वो बच्चा अब करता ही रहता है, करता ही रहता है। माँ बोलती कभी सो जाना कैसे ऐसे करके, तो बच्चा सो जाता है समझे। इसलिए बच्चा बन जाने की जरूरत है, हम बड़े हो चुके हैं वही तकलीफ है सबसे बड़ी। क्या है? कोई गलत जगह पर तो आपको ले जाने वाला तो है ही नहीं, मित्र है आपके, बचपन के मित्र है, गलत जगह पर ले नहीं जाएंगे उसको, कुछ ले नहीं जाते, वो तकलीफ अकेले चले जाते, भाई आपको ध्यान में रखो, उनको काम करवाओ अपना। अब तो चार साल हो गए रिटायर होके बैठे हैं, घर बोलो रहते हैं, और क्या नहीं, ये जो कहने के बाद कोई मना नहीं है, हाँ इनको कहीं पर भी खड़ा करो, ऐसे भी ऐसी हमारी मित्रता है, बराबर है, इसका नाम ही मित्रता है ना, जो कि कृष्ण सुदामा ने इसलिए दिया, इतना उड़ता दे रहे हैं। हाँ मतलब बस आज चार पांच साल हो गए, ज्यादा हो गए, वाला मदर एक टाइम ज्यादा हो गए, अभी तक मेरे दिमाग में हो गए यार, वो किन साहब इतना ही नहीं समझा उनको, अपना नहीं समझा। हाँ, पर इसमें तो दुख हो गया, क्या दुख कैसे हुआ कि आपने इसलिए नहीं कहा कि इनको तकलीफ ना हो, हाँ। और इनको ये दुख हो गया, हाँ, कि मेरे को ना क्यों हमें इसलिए ठीक रहता हाँ व्यवहार
एक बार व्यवहार से कह देना कभी ऐसा हुआ है, एक बार आपकी बात में मर्जी, आपकी आना नहीं आना आपकी मर्जी, नहीं बस क्या ऐसा हुआ है, बस खत्म हो गई बात। वो सामने से बोलेगा भी मैं आऊंगा, चलो इतना तो व्यवहार तो करना पड़ता है। सोच सही है, एक भाई के दूसरों को परेशान नहीं कर, बराबर ये बराबर हमारी सोच ये है कि उसको हम पता ना चले तो किस काम के भी बैठे। राइट राइट, आज सच्ची बात, ये काम में ऐसा सिस्टम है कि जैसे कोई बीमार आदमी होता है हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में उसको जैसे डेथ हो गई ना, तो जैसे उसकी डेथ बॉडी 8 बजे गांव में चली गई या 7 बजे चली गई मान लो, फिर गांव वाले खाने नहीं खाएंगे, तो वो जान बूझ कर उनको लेट करता है कि गांव वालों का सब काम तो इसलिए फिर वो रात को 11-12 बजे उसको ले जाते हैं। बराबर सब राइट है। ये पक्के लोग है कच्चे लोग है बोलो, ये पक्के कच्चे लोग है, पक्के लोग है ना लोग के सबका खाना हो जाए बाद में ले जाओ उसको। बराबर तकलीफ ना हो, बराबर। और जो नहीं समझते हैं वो फिर शाम को 5-6 बजे जब लोगों का खाना, गांव में ऐसा है कि डेड बॉडी आ गई तो फिर चूल्हा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा सर, नहीं जल सकता घर में भी आदमी चूल्हा नहीं जलेगा, ना संस्कार होने के बाद ही जलेगा। अपने मंदिरों में आरती नहीं होती, नगाड़े वगैरह सब बंद मंदिरों में भी काम ऐसा सिस्टम। गाँव में तो ये भी होता था, ब्याह शादी घर में होती और घर में कोई बीमार या एक्सपायर हो जाता ना तो गेट बंद कर देते, जिसको मालूम था वो गेट बंद कर, बाहर नहीं मालूम पड़ा ही तो ऐसा ही है, वो काम पूरे होने के बाद कहेंगे भाई ये बाहर ही डिक्लेयर करते हो, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं बराबर वो काम चल रहा है उसको वो डिस्टर्ब नहीं होगा। बराबर है, दुख तो होता है उसके भी, दुख तो है अंदर है पर वो दर्शाता नहीं किसी को कैसा हो गया, इसीलिए बाहर जो हमें मिले हुए जो भी मिलते हैं बाहर वो सिर्फ आपको बात बताएंगे कि आत्मा ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, लेकिन अनुभव नहीं कराएंगे। जैसे लोग बोलेंगे चाय मीठी ना, शक्कर मीठी है शक्कर मीठी है शक्कर मीठी है, लेकिन कैसी मीठी, तो ज्ञानी होते तो मुंह में डाल देते, क्या करते हैं बोलते नहीं कि मीठी है मीठी है, उसको ये अनुभव हो जाता है। तो ये अनुभव करने की चीज है, क्या होती है बात, बात करने की चीज नहीं है, बात इसलिए करने की है कि समझने के लिए क्या है, इसका महत्व समझ में आए इसलिए बात करने का है, तो कि महत्व समझने के बाद अनुभव करने का होता है। बराबर है, तो आपका काम कर देगा तो चलेगा ना अभी, वो तो गलती कर दी उन्होंने मालूम हो गया हमको, लेकिन अभी आपका काम करेंगे चलेगा ना अभी, आपको उनको जो लाभ हुआ है वो आपको कराया जाकर चलेगा ना, बस सर भाई देखना कभी अभी ऐसा मौका मिले तो कभी करवा देंगे कभी। चलो टाइम हो चुका है, दादा दादा भगवान की मैंने बात की ना, अंदर जो प्रकट हुए वो दादा भगवान है, तो दादा भगवान बोलते हैं कि अपने अंदर जो भगवान है उनके बारे में जितनी भक्ति करेंगे वो प्रत्यक्ष भक्ति बोला जाता है, या जो हमारे अंदर प्रकट नहीं हुए तब तक जो सामने होते हैं ज्ञानी पुरुष हाजिर होते हैं इसकी भक्ति करना वो हमारी भक्ति होती है, समझे, इसलिए इसको प्रत्यक्ष भक्ति बताया गया है। जिस तरह कृष्ण भगवान हाजिर थे तब उन्होंने खुद की भक्ति करवाई अर्जुन के पास, राम भगवान की नहीं करवाई, आगे कितने सारे हो गए इसकी भी नहीं करवाई खुद की, क्योंकि फायदा इसमें है, बाकी जो हम पहचानते नहीं है जानते नहीं है उनके बारे में भक्ति करना वो परोक्ष भक्ति है, क्या है, और परोक्ष भक्ति हम लायक होने के लिए होती है परोक्ष भक्ति, इसलिए प्रत्यक्ष भक्ति दादा भगवान उसको बोलते थे, और ये हम 2 मिनट बुलाएंगे वो भक्ति को, वो हमारे अंदर भगवान है उसकी भक्ति है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, 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 दादा भगवान ना
जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो। अंदर भगवान के साथ ताट जॉइंट होता है ये बोलने से, भगवान के साथ बहुत बड़ी बात है। दादा भगवान बोलते हैं कि घर में भी बच्चों को बिठाकर बोलेंगे ना तो अभी संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कीर्तन भक्ति खुद बखुद संस्कार दे देंगे आपको। इतनी ताकत एक कीर्तन भक्ति में दादा भगवान ने रखी हुई है। और दादा भगवान खुद ही बोलते थे ऐसे करके, दादा खुद बोलते थे क्योंकि हमें भी पूरा करना है और आपको पूरा करना है तो बोलना कैसे, क्या बोलते थे? जय सच्चिदानंद। कल के दिन है अभी।